सो गाइस, ये चीज़ काफ़ी वियर्ड होती है दैट कोई ब्रांड न्यू फोन लॉन्च करे बट उसके बाद भी पिछले साल वाले डिवाइस की डिमांड ज़्यादा रहे। ऐसा ही कुछ इस बार आईफोन 14 के साथ हुआ है। इसके लॉन्च के बाद भी ज्यादातर लोग अभी भी आईफोन 13 को ही परचेज करना चाहते हैं। अब ऐसा होना ऑब्वियस था क्योंकि दोनों फोन्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड सरप्राइजिंगली पोल के रिजल्ट्स में भी आप लोगों ने आईफोन 13 के लिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा वोट्स करे। सो गाइस, मुझे इस फोन को यूज करते हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है एंड यस, आई कैन से इट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन राइट नाउ। सो आज मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड इसी के साथ आपको बताऊंगा ऐसे 5 रीजंस क्यों आपको अभी आईफोन 13 परचेज करना चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। Hey guys, I'm Ankit. You're watching Gadgets Life. Let's begin. अगर आपको भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, make sure to subscribe this channel along with bell icon. So बात करते हैं सबसे पहले चीज की जो कि इसके लिए काफी बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है, विच इज डिजाइन। अब एज यू नो, एप्पल डिजाइन को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करता है, सो इस चीज का बेनिफिट पुराने आईफोन्स को मिल जाता है एंड 2 या 3 साल पुराने होने के बाद भी वो मॉडर्न दिखते हैं। इनफैक्ट आईफोन 13 एंड 14 का डिजाइन तो एक्जैक्टली सेम है, लेकिन बात करें फ्रंट से, साइड से, बैक से, सो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लीक्स बाय क्रेडिबल लीकर्स, जो आईफोन 15 का बैक से डिजाइन होने वाला है वो भी कुछ ऐसा ही होगा, बट ऑब्वियसली कैमरा मॉड्यूल में साइज डिफरेंसेस रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन पर्टिकुलर चीजों में आईफोन 12 से स्विच करने के बाद आपको डिफरेंसेस क्लियरली दिख जाएंगे, विच इज डिस्प्ले की ब्राइटनेस, स्पीकर्स क्वालिटी, बैटरी लाइफ। अब गाइस फ्रैंकली बताऊं तो आज के डेट में 625 निट्स की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि जैसे आप हार्श सनलाइट में जाते हो विजिबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। अब एज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपका बजट टाइट है, सो आईफोन 11, 12 में आपको इतनी ही ब्राइटनेस मिलती है, बट आईफोन 14 की तरह आईफोन 13 में भी मिलती है 800 निट्स की ब्राइटनेस। डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, आउटडोर्स में काफी हेल्पफुल रहता है। वहीं पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में स्पीकर्स आर सिग्निफिकेंटली बेटर, भले अगर आप सुनते हो म्यूजिक, मल्टीमीडिया कंजप्शन या फिर बात आती है लाउड स्पीकर पे कॉल पे बात करने की, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ था इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, सडनली iOS 16 के अपडेट के बाद इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी डिप हो गई है, बट वहीं लेटेस्ट iOS 16.3 या फिर 16.3.1 के साथ बैटरी लाइफ पहले से थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है। इट इज स्टिल बेटर देन आईफोन 12, उसके कंपैरिजन में लगभग 1 घंटा ज्यादा चल जाती है। एंड गाइस, मॉडरेट टू हाई यूजेज में भी आपको 1 दिन की बैटरी लाइफ इजीली मिल जाएगी, बट वहीं अगर आप कंटिन्यूअसली गेमिंग करते हो फिर बहुत ज्यादा कैमरा का यूज करते हो उस केस में तो कोई भी फोन 1 दिन लास्ट नहीं कर पाएगा, आपको एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। भले इवन अगर हम बात करें आईफोन 14 प्रो मैक्स की भी, बात करते हैं थर्ड रीजन की विच इज प्राइसिंग। बिग बिलियन डे सेल में 50 से लेके 55,000 रुपीज में बिका था, बट अभी के टाइम पे इसकी प्राइसिंग अराउंड 60,000 रुपीज। बट वहीं अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है एंड आप परचेस करते हो सेकंड हैंड आईफोन 13, उस केस में इसकी प्राइसिंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो आपको अच्छी खासी कंडीशन में इन वारंटी ये फोन इजीली 43 से 45,000 रुपीज में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक और अच्छी चीज निकल कर आती है, भले आप परचेस करते हो बेस वेरिएंट वो भी आपको 128GB मिलेगा, अनलाइक 64GB ऑन आईफोन 11, 12। नेक्स्ट, इसके बाद मैं बात करता हूँ उसके कैमरास की। सो गाइस, आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस देखते हो सभी आईफोन 13 से शूट होती हैं एंड इनफैक्ट मेजर क्लिप्स, बी रोल्स एंड आई कैन से आज के डेट में भी आई कैन टोटली रिलाई ऑन आईफोन 13 कैमरा। भले अगर मैं बात करूँ फोटोज की, वीडियोस की, अब आईफोन 14 प्रो मैक्स को यूज करने के बाद जब मैं आईफोन 11, 12 से फोटोज या फिर वीडियोस को शूट करता हूँ, मुझे यहाँ पे मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा एंड मैं तुरंत ही उस सिचुएशन में आईफोन 14 प्रो मैक्स से फोटोज को कैप्चर करता हूँ, कंपेयर करता हूँ क्वालिटी चेक के लिए। बट आईफोन 13 के साथ ऐसा नहीं है, इसके सभी कैमरास हर सिचुएशन में काफी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, भले अगर हम बात करते हैं डायनेमिक रेंज की, कलर्स की या फिर डिटेल्स की। वहीं इसमें आपको सिनेमैटिक वीडियो को शूट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, अभी लिमिटेड है 1080p तक, लेटेस्ट आईफोन्स में 4K है। सो अगर आपको इस चीज को प्रोफेशनली यूज करना है क्वालिटी में स्लाइट डिफरेंस तो मिलेगा ही, बट स्टिल आई थिंक अभी भी 1-2 जनरेशन और लगेंगे इसको इम्प्रूव करने में जब हम इसको एकदम ही प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज कर पाए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो एज डिटेक्शन है थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। लो लाइट सैंपल्स आर अमेजिंग, काफी कम नॉइज मिलती है, अच्छे कलर्स मिलते हैं, गुड डिटेल्स। इन केस आप लोग समझ ही जाओ, अगर हम ये कह रहे हैं आईफोन 13 और 14 के कैमरास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो आईफोन 13 के कैमरास कहाँ स्टैंड करते होंगे, एंड जबकि आईफोन 14 एप्पल का लेटेस्ट लाइनअप है। बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की, जो कि पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है जो कि फोन्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं। अब आईफोन 13 लॉन्च हुआ था iOS 15 पे, इसको बस 1 साल की अपडेट ही मिली है, सो इसे 4 साल की मेजर iOS की अपडेट्स मिलेंगी अप टू iOS 20। 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो पक्का है, इनमें भी हो सकता है 5 साल की भी मिल जाए। इसमें आपको A15 बायोनिक चिप मिलती है 4GB के रैम के साथ। एंड गाइस इमेजिन, आईफोन 14 में एप्पल ने इसी चिप को दोबारा से यूज करा है थोड़ा सा ट्विक करके, सो इस चिप में कितना पोटेंशियल होगा
सो अगर मैं बात करूं डे टू डे परफॉर्मेंस, हैवी टास्क, हर चीज को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। अब अगर आप फोन को एक्सट्रीमली पुश करते हो, फॉर एग्जांपल ज्यादा गेमिंग करते हो या फिर कैमरा का यूजेज, फोन वार्म हो जाता है, बट आप इसको ओवरहीटिंग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस इज सॉलिड, सभी गेम्स में एकदम हाई सेटिंग्स मिल जाती है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डे टू डे टास्क, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर स्मूथ। सो गाइस, आप में से कितने लोग आईफोन 13 को परचेस करने का प्लान कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लोग आईफोन 13 को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपने ओपिनियन शेयर करें, जो लोग इस फोन को परचेस करने का सोच रहे हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस, मैं 2023 के लिए कंप्लीट आईफोन बाइंग गाइड की वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।